हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज 31 मई 2019 को एनसीसी में जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस की कंपनी है फ्रेंड्स, भयंकर गिरावट देखी जा रही है। इसमें लगभग 13% की गिरावट देखी गई है और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसमें गिरावट आई है और इसको टेक्निकली भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके आंकड़े भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये और इसमें डिविडेंड भी दिया गया है। डिविडेंड भी अच्छी कंपनी डिविडेंड भी देती है फ्रेंड्स। इसमें पूरी तरह से इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आज जो ट्रेड कर रहा है 31 मई 2019 को लगभग 100 रुपये के आसपास है और इसने जो 109 रुपया इसने हाई ओपन और हाई किया था फ्रेंड्स, और पिछला जो क्लोजिंग था फ्रेंड्स 116 रुपये में, लगभग 16 रुपये नीचे की तरफ है ये, लगभग 14% नीचे की तरफ है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ है फ्रेंड्स। और इसका जो हाई है लगभग 125 रुपये के आसपास है और लो है 63 रुपीज़, और ये 26 अक्टूबर 2018 को और हाई 10 जून 2018 को पिछले साल ही बनाया था, बट इस साल भी अभी ऊपर की तरफ जा रहा था फ्रेंड्स। और ये इसका जो होल्डिंग में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें 18.82 मार्च में रहा है और दिसंबर में भी वही था, कोई चेंज नहीं हुआ है और फिर भी गिरावट है शेयर में। और इसने डिविडेंड भी दिया है फ्रेंड्स, लगभग 1.5 रुपये का डिविडेंड है, 2 रुपीज़ ईच, 75% का होता है ये। कंपनी अच्छी है बट आंकड़े भी फटाफट देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। मार्च 2019 जो क्वार्टरली Q4 का रिजल्ट था उसमें 43.77 अप है, लगभग 3761 रुपये का सेल्स हुआ था फ्रेंड्स मार्च क्वार्टर में, और जो पिछला क्वार्टर था मार्च का 2018 का 2616.09, और नेट प्रॉफिट जैसे कि पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 18757 का था, लगभग 994.98% अप है। अच्छा, ऊपर की तरफ रिजल्ट आया बट इबेटा भी देखिए 525.85 करोड़ इन मार्च 2019 और 61.615% फ्रॉम 326.32 करोड़ इन मार्च 2018, और ईपीएस रहा है इंक्रीज रहा है फ्रेंड्स, अच्छा ईपीएस ऊपर इंक्रीज रहा है 3.12 का और जीरो पिछला जो है 0.78 का। और स्टॉक को फ्रेंड्स अच्छा इसका रिजल्ट आया बट जो गिरावट देखी जा रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे अभी आगे। और एनसीसी का जो अभी रिटर्न दिया है इसने पिछले 6 महीने में 9% 10% के आसपास माइनस में है और 25% जो है 12 मंथ में है। देखिए, आंकड़े अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं सेल्स में। देखिए, पिछला मार्च में 2616 था और दिसंबर में 3378 था, अभी मार्च 3761, तो तब भी गिरावट है। देखिए, ये है आपका दिसंबर में से अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था फ्रेंड्स, और पिछले मार्च में जो है 17 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी जो है 187.57 करोड़ का है। ये देखिए, ये चार्ट है फ्रेंड्स, इस तरह से ऊपर की तरफ गया था और ये पिछले अगस्त में भी, और फ्रेंड्स ये देखिए पिछले जो उसमें हाई बनाया था 18 में हाई बनाया था लगभग, इसका जो अभी किस तरह से नीचे आ रहा है देख रहे हैं आप, लाल कैंडल एक है वो नीचे की तरफ एक डाउनफॉल हुआ है, लगभग 14% नीचे है और इसको सपोर्ट लगभग 90 रुपीज़ के आसपास मिलना चाहिए। अगर ये 100 रुपये से नीचे की तरफ बंद होता है तो आपको 90 रुपये मिलेगा, 90 रुपये के आसपास मिल सकता है, और ऊपर की तरफ जैसे 109 के आसपास इसने ओपन और हाई बनाया और उसको ब्रेक करेगा तो फिर 116 और उसके बाद ये आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने अगर इस शेयर को नीचे की तरफ लिया है, कोशिश करिए आप इसमें पार्शली प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि स्टॉक अगर 14% नीचे की तरफ आता है तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हो सकता है गिरावट आए। आप देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, और उसका रीज़न एक आप देख सकते हैं जो जगमोहन रेड्डी शपथ लिए हुए हैं आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू हार गए और उन्होंने शपथ ली है, तो हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो तो उसके बिहाव पे नीचे की तरफ देख रहे हैं स्टॉक को, नागार्जुना एनसीसी को, नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस को। तो फ्रेंड्स ये एक रीज़न भी हो सकता है बट आंकड़े अच्छे आए हैं, सेल्स अच्छा हुआ है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है, डिविडेंड दे रही है कंपनी, और जिस तरह से चार्ट में भी दिख रहा है फ्रेंड्स ऊपर की तरफ जा रहा था, ये धीरे धीरे 90 रुपीज़ से ऊपर की तरफ जा रहा था और 116 में बंद था, वहाँ से भी ऊपर की तरफ अपना हाई को तोड़ता, बट ये भी अभी थोड़ा सा गिरावट है और 2-3 दिन के अंदर हो सकता है स्टेबल आ जाए हो जाए
फिर इस स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये नागार्जुना कंस्ट्रक्शन का जो व्यू था, अपडेट था, रिव्यू था, इसको जानने की कोशिश थी टेक्निकली, और इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप YouTube चैनल को देखते हैं और शेयर मार्केट में अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, और किसी शेयर के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसको उस शेयर के बारे में रात के 9 से 10 बजे के बीच आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप YouTube देखते हैं, किसी भी शहर से देखते हैं, आंध्र प्रदेश से देखते हैं, मुंबई से देखते हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं, लखनऊ से देखते हैं, कानपुर से देखते हैं, देहरादून से देखते हैं, पंजाब से देखते हैं, राजस्थान से देखते हैं, मध्य प्रदेश से देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसका अपडेट करने की कोशिश की जाती है। आज नागार्जुना कंस्ट्रक्शन था। धन्यवाद।